हमारी इंडस्ट्री में तो आजकल मतलब बहुत नया हो रहा है। एक मैं और एक तू है। It's sad that people have stopped believing in original music. Everybody is waiting to watch what is Sunil Chauhan doing next. Have kept them waiting for very long. अब रेडियो में। ओरिजिनल तुमने गाया था? मैंने सोचा मैं भी एक कवर कर लूँ। I'm so happy that Teg is here to change all my settings. और अभी अभी सुनी थी ऐसा होता है कि whenever you come to the studio, I actually look forward to seeing Teg more than you. I'm sorry, I'm being honest. No, I know. पागलपन. Yes. Okay, hello. That I'm here. Yeah. You know, सुनी थी मुझे किसी ने कहा था कि there are two kinds of people on the planet, parents and everyone else. Oh God, wow. So now you're that person. I mean, you're a parent yourself. So yeah. You know, the whole perception only changes. Pura change ho jata. I think they make you brand new. Yeah. There's a new start. There's a new beginning. That's right. You can actually smell the flowers all around you. Totally. It's just beautiful. You know, you're ready to do everything and anything. You're absolutely right. But nayapan ki baat kare, lekin hamari industry mein toh aajkal, matlab, बहुत नया हो रहा है so <that's, laughs> वो भी नया बट नया इस तरह से भी हो रहा है कि यू नो वी आर सीइंग अ वेरी डिफरेंट थिंग इन आवर लाइव्स राइट नाउ एज म्यूजिशियंस एज कंपोजर्स एज सिंगर्स इट्स सैड दैट पीपल हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन ओरिजिनल म्यूजिक या पीपल हैव जनरली स्टॉप्ड हैविंग फेथ इन ईच अदर या काफी सालों पहले तक ऐसा हो रहा था कि टीम यू नो एवरीबॉडी टुगेदर एंड दे एक कॉमन चीज है सबके बीच में कि बस अच्छा करना है यहां पे अपना क्या अच्छा करना है सब अपना अपना देख रहे हैं उस चक्कर में रिजल्ट इज नथिंग यू नो एक अच्छी चीज है कि बहुत सारे अलग अलग कंपोजर्स यू नो अलग अलग सिंगर्स आ रहे हैं और एक नयापन एक नई सोच एटलीस्ट सोच तो हम चाह रहे हैं कि एक नई सोच आए बट वो हो नहीं रहा है इतना जितना अच्छी बात ये है कि जो पहले कहा जाता था कि बहुत मुश्किल है टू पेनिट्रेट या दैट इज इजी इट्स इजी सो यू जस्ट हैव टू हैव दो स्किल्स यू हैव टू बी अ जेन्युइन आर्टिस्ट एंड इफ यू आर जेन्युइन इनफ देन यू हैव अ प्लेस हियर ऑफ कोर्स राइट नाउ आई नो गुड सिंगर्स आर मिसिंग आउट ऑन वर्किंग हार्ड दैट्स ट्रू दैट हंगर दैट Oh, that bliss when you get something on the mic, when the vibes match. Right. मतलब साल में 6-7 album तो ऐसी आती थी कि लोगों को लगता था कि ये क्या बात है हमारा music scene कितना कमाल का है. Correct. But you know, I don't want to be like you know कि वो एक वक्त था एक ज़माना था. I don't want to be that. We're not saying that. Because just you know, remembering the good times. Absolutely, absolutely. Yeah. Everything, every song used to be a celebration. Sure. There was a whole एक मैरिज होती है ना आप सुनी थी इतने गाने हैं यार सो मेनी हिट सॉन्ग्स हाउ डू यू सिलेक्ट योर सेट लिस्ट फॉर एग्जांपल एक में और एक तू है एक में और एक तू है करेक्ट ये मैंने सिर्फ 2 साल पहले ऐड किया है अपने सेट लिस्ट में वाओ मैं कुछ ऐसे सुनाई नहीं देना चाहती कि ओह मेरे पास इतने गाने नहीं नहीं बट द ट्रूथ इज आप क्या सोचो आपको क्या गाना है या ऑडियंस के लिए क्या गाना है दोनों का मिक्स करना है आपको तो उस चक्कर में इतने सारे गाने रह गए हैं जो मैंने आज तक परफॉर्म नहीं किया है नियत खराबी आप देख लो बहुत सारे शोज के बाद मैंने उसको गाना शुरू किया और अब फाइनली इट्स अगेन बैक इन माय सेट लिस्ट और प्यार की एक कहानी सुनो उड़ी शंकर का एक गाना है धड़क धड़क सिंपल मतलब जो गाने बहुत अच्छे चले या फिर झूम बराबर ये सब बहुत लेट मैंने किया फिर उसके बाद मैंने निकाले अपने गाने क्योंकि देयर वर पीपल साकी साकी आए added when I started doing my old songs ka medley right, songs right, from right. the 9 but it's no more an old song Sunil. no and but original tumne gaya tha shayad maine socha main bhi cover kar lu acha so yeah well you know everybody is waiting to watch what is Sunil Chauhan doing next personally मतलब कमाल है it just But needs Sunidhi, a little that, time that R&B album I know. that hip hop album which I've heard you know everybody's heard Sunidhi in a certain way but ye ek completely alag group hai Correct. and I'm really hoping that you release it soon I will, because I this will. is something which you know now I, that's all isko 4 saal ho gaye 5 saal ho gaye 4 saal ho gaye it's still sounding amazing I can tell you whenever it comes out jab bhi aap isko dub kar logi it's going to sound amazing thank you so much no really वो ही है बस अब मेरे दिमाग में आई वॉन्ट टू डू दिस इंडिपेंडेंट स्पेस थिंग इफ यू रियली वॉन्ट टू डू इट फॉर द लव ऑफ इट तो थोड़ा वक्त चाहिए
एक गाने की तरह नहीं कर सकते, पर मुझे पता वो मैं कर ही रही हूँ। आई नो सुनील जी दैट यू आर ट्रिपिंग दीस डेज ऑन मधुरानी जी एंड यू आर ट्रिपिंग ऑन गजल्स एंड ठुमरीज, यू नो, एंड आई नो दैट यू, जितना तुम्हें हिप हॉप और आरएनबी और उससे प्यार है, उतना ही तुम्हें, शायद उससे ज्यादा तुम्हें प्यार है गजलों से और ठुमरीज से। वो फाउंडेशन है जी, दिल्ली से जब से छोटी थी तब से, वहाँ माहौल भी ऐसा ही होता है ना। right. आप बेशक जागरण खड़े हो, लेकिन जागरण में जो सिंगर्स गा रहे हैं वो क्या सुनते हैं, वो यही सुनते हैं। तो अच्छा अच्छा म्यूजिक ही सुना है लकीली बहुत awesome. तो वो रह गया है क्योंकि वो बचपन से सुना है। नहीं, मेरा मतलब अंदर रह गया, तो अब वो धीरे धीरे बाहर आएगा। हाँ, तो आई एम एक्चुअली वेटिंग टू डू समथिंग सिमिलर विथ यू, क्योंकि मेरी भी एक यू नो तमन्ना है टू यू नो डिग माय ओन रूट्स, मेरे अंदर जो ट्रेडिशनल चीज है जो मैंने सीखी है, जो मैंने सुनी है। आई रियली फील लाइक यू नो टू ब्रिंग आउट दोस थिंग्स व्हिच आर, और ये वक्त बहुत सही है बिकॉज टुडे द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज सो गुड दैट यू नो इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसमें कुछ एवरीथिंग यू कैन रिलीज हाउएवर यू वांट टू। बिल्कुल बिल्कुल, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लव कमिंग फ्रॉम especially your fans, you know, they are all waiting ki when is Suniti going to do something which is probably non-film, which is probably her own vibe. I've kept them waiting for very long but ab hona chahiye kyunki ab ready ho main acting ready ho uske liye bhi mujhe pata hai ki aap mein wo acting ka keeda कूट कूट के भरा हुआ है। पता नहीं जाता ही नहीं है। No, but it's every, you know, but like, I'm a film buff, मैं films देखना बहुत पसंद करती हूँ और film as an audience देखती हूँ और as you know everything else, but also the directional the perspective. I was lucky to work on Tamasha with Imtiaz, you know, on that film. Wow. As an assistant, like 8th AD. Oh, wow. Yeah, far away. क्योंकि मुझे वो मेरा इंटरेस्ट था एंड ही वॉज काइंड एनफ टू से कि हाँ कम ऑन बोर्ड, यू सी हाउ इट्स डन, एंड आई एक्चुअली वॉज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, 80% ऑफ द फिल्म। वी वेंट टू शिमला, वी वेंट टू डेली, कोलकाता, आई वॉज पार्ट ऑफ एवरी स्केड्यूल। सो माई इंटरेस्ट लाइज इन एवरी थिंग अराउंड द फिल्म, नॉट जस्ट एक्टिंग। सो आई थिंक वो एक हिस्सा है, बट हाँ। So this I didn't know. This nobody knew that you were part of a film as an AD, like, a part of Tamasha, which is really amazing. So definitely Keeda to bahut strong hai aapne. Haan. For sure. You really, really have that passion for films. For films, generally. Yeah. Tell me, I wanted to always ask you, how did it actually start? With Hitesh? Yeah. I mean, of course, it was a, it started off with a, as a love affair and, you know, and then you guys got married. I'm sure you've not spoken to this, to anybody about this. Or you maybe may not. Have. No, maybe not. सो विशाल जी से एसोसिएटेड थे हितेश। सो विशाल जी के यहाँ जब मैं पहली बार मिली तो दैट्स व्हेन आई सॉ हिम बिकॉज ही वाज यू नो ऑन द गिटार्स एंड दैट्स व्हेन आई मेट हिम। बट देन व्हेन आई स्टार्ट सिंग फॉर विशाल जी अ लॉट मोर विच वाज पोस्ट व्हेन आई टर्न 17-18, उसके बाद जब मैंने विशाल जी के लिए बहुत गाना शुरू किया देन वी स्टार्टेड मीटिंग मोर। बट पता नहीं ये कब अचानक बस ऐसे नहीं, but because बस हो गया ना। Amazing. But then it all began later. I think it started on the 16th of September 2011. Yeah. And then you guys got married in 2012. Just 7 months after. Wow, that was pretty fast. Yeah. Yeah. But good. Because we were just not saying to each other. So, but था ना, शुरू हो गया था। काफी टाइम से मन में तो समझ आ गया था कि This is where the happiness is. This is it. Yeah. But then you lost weight and you cut your hair that, and then you know wow. Voice. This Suniti, you like to go through changes, na? Maine wo accept kar liya ki this is life for me to be. Utar chadao. Haan. Bas challenge accept karte raho, khud hi khaka ke khush ho ke mote ho jao, khud hi kha, fir uske baad usko reduce karo. And I love doing that. Gym mein relentlessly you're going and this boy obviously got me so happy for life and then I lost track of keeping check on my weight, but yeah, it's okay. Suniti, I'm good. आपको कितने सालों से देख रहा हूँ, I think you are the happiest right now. Yes. Of course, आपके चेहरे पे वो हंसी है, but आपकी आँखों में जो एक खुशी है ना, there's a certain sense of, you know, I mean, of course, we all have our bhag dod, we all have our hustles, ambitions, and goals. Yeah, yeah, yeah. But I can feel that you're home now. Yeah. I'm home. You know, now I can operate from home. And now you can you've already conquered the world. मतलब अभी कुछ बचा ही नहीं है वैसे भी। I am so ready to explore. I can see. I can see on Facebook. Deep into the ocean. I see your shows. I see your pictures, especially live concerts. Suniti, you are a queen. You are a queen. Thank you so much. This is a fact. Means a lot. I'd like to say this to the camera. Like you know, मैंने इतने performers देखे you know in India, outside India. Suniti is one special bomb.
on stage. So I am hoping that, Sunidhi, that we can make something incredible. Let's right do now. Something. I am like, really, really hoping. I'm ready as hell. Off the record can be on the record. Yeah.